तो दोस्तों नॉर्मली जब भी लोग नाव बनाते हैं तो इस टाइप का बनते हैं, आप देखिए इस टाइप का, ठीक है। क्या आप इस तरह का नाव बनाना चाहते हैं, जैसे कि दो तरफ छत है। आप अच्छी तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे एक तीसरा भी बना के रखा है जो आप देखते हो। ये कोई डबल पेपर से बना हुआ नहीं है, ये सिंगल पेपर से ही बना हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अलग से ये पेपर को ऊपर से मतलब किसी ग्लू से चिपकाया है, नहीं है, ये सिंगल पेपर से बन जाएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि इस तरह का नाव कैसे बनाया जाता है, तो चलिए मैं आज आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक A4 साइज़ का पेपर लिया जिसका एक तरफ प्लेन है और दूसरी तरफ प्रिंट किया हुआ है। दोस्तों इसी पेपर से हम उसी तरह का नाव, छत वाला नाव आपको बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले पेपर को जैसे कि प्रिंट अंदर की तरफ रहेगा तो बेहतर रहेगा, ताकि प्रिंट अंदर की तरफ जब रहेगा तो ऊपर से दिखेगा हमको प्रिंट, ठीक है। तो जैसे कि नाव बनाया जाता है, इस तरह से पहले पेपर को एक पार्ट मोड़ लेते हैं, उसके बाद इसको नाव जैसा शेप देते हैं, जैसे कि बनाते हैं। मैं आपको बनाता हूँ, आप देखते जाइए। देखिए नॉर्मली जैसे नाव बनता है बिल्कुल उसी तरह का ये नाव तो बन चुका है, लेकिन बस एक ही ट्रिक से ये दो तरफ छत ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। देखिए जैसे कि आपको पता है नाव जब बनते हैं तो बीच में ये जो ऊंचा जैसे कुछ होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक इधर का एक, ये एक दो और एक तीन, ठीक है। तो चलिए पहले इस पार्ट को, मतलब इधर वाला पार्ट को आप निकाल लीजिए। ये पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट को निकल के सीधे ही इसके पीछे की तरफ आप डाल दीजिए। देखिए पीछे एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में डाल दीजिए, ठीक है। अभी उसी तरह से दूसरी तरफ जो पार्ट रहता है, उस दूसरी तरफ पार्ट को निकल के इसके पीछे डाल दीजिए। देखिए मैं डालता हूँ आपके सामने, ये मैंने दोनों पार्ट डाल दिया। अभी देखिए इधर से एक पार्ट, इधर से एक पार्ट, दो तरफ से दो पार्ट आ चुका है। अभी हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करके आपको दिखाते हैं। देखिए किस टाइप का छत वाला बन चुका है, बिल्कुल है ना। एक नाव नॉर्मल नाव है जैसे कि आप देख सकते हो, और इस नाव का आप अच्छी तरह से देखिए, ये दो तरफ से एकदम गड्ढा जैसा है छत। जैसे कि माझी जो होता है, मतलब नाव चलाने वाला, वो दो तरफ बैठ सकता है। देखिए यहाँ पे एक मैंने सिंगल पेपर का बना, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना शानदार दो तरफ छत यानी छावनी वाला दो नाव बन चुका है। दोस्तों कितना बढ़िया है ना। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो वीडियो को देखकर बनाइए, एकदम परफेक्ट है। सिंगल पेपर, कोई डबल पेपर की ज़रूरत भी नहीं है, एकदम सिंगल पेपर से बन जाता है। ये जो नाव है ये दिखने में तो है लेकिन पुराना, ओल्ड मॉडल जैसा है, लेकिन ये थोड़ा न्यू मॉडल जैसा है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये जो है ना ये प्रिंटिंग वाला पेपर है इसीलिए ये ठीक से नहीं दिख रहा है। लेकिन मैंने आपको प्लेन पेपर में जो दिखा रहा हूँ ना, ये एकदम बढ़िया से आपको दिख रहा है। आप अच्छी तरह से देखिए, एकदम ओपन में मतलब मारुति जो होता है BMW का लोगो भी लगा, माय गॉड कितना बढ़िया लग रहा है। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हो ना।